महबूबा ओ महबूबा बना लो मुझे दूल्हा जला दियो मेरा जू सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या। मोहम्मद रफी के गानों से अनेक एक्टर्स को ही नहीं बल्कि कॉमेडियंस के करियर को भी बहुत फायदा पहुंचा। अरे जाने कहा मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही था किधर गया जी। शोर मचाना मेरी जान मैं आया दिल देने तुझे। मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। ये पुर नूर चेहरा ये दिलकश अदा नमूना हो कुदरत की कारीगरी। ऐसे कॉमेडियंस में भारत के टॉप कॉमेडियन महमूद भी शामिल हैं जो मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े मुरीद थे। ओ दिन याद करो ओ चुप चुप के मिलना थोड़ी चलो न हंस की चाल जमाना दुश्मन है जरा सी और पिला दो भंग में आया देख के ऐसा कहां जई हो नजरिया चुराए हमसे कहां जई हो पास बुला के हमें आंखें दिखाना जिस रात जले ना परवाने ऐसी तो कोई भी रात गोरी जुल्म करे जुल्फ का बिखर जाना वो तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है। महमूद पर मोहम्मद रफी के अनेक गानों को फिल्माया गया। ओ दिन याद करो ओ चुप चुप के मिलना थोड़ी चलो न हंस की चाल जमाना दुश्मन है जरा सी और पिला दो भंग में आया देख के ऐसा कहां जई हो नजरिया चुराए हमसे कहां जई हो ये पुर नूर चेहरा ये दिलकश अदा नमूना हो कुदरत की कारीगरी। उन गानों पर महमूद की एक्टिंग देखकर हंसी आ जाएगी। लेकिन मोहम्मद रफी ने महमूद के लिए एक ऐसा गाना गाया जिनको सुनकर महमूद रो पड़े थे। कौन सा है वह गाना और क्या है उस गाने के बनने की कहानी, इस वीडियो में आपको उस गाने से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। बस आप बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, महमूद ने कॉमेडी के अलावा डांस से लेकर डायरेक्शन तक, फिल्म प्रोडक्शन के अलावा फिल्म निर्माण जैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। सर से पांव तक भीज गई ब्रिज बाला। चुनरी धर के किनारे थोड़ी नदियां ना समझा मैं किस्मत खुल गई मुझको राम बुढ़िया मिल गई। अरे चल गई चल गई चल गई इश्क की गोली चल गई। महमूद के खानदान का फिल्मों से उतना ही पुराना रिश्ता है जितना कपूर खानदान का रहा है। महमूद के पिता मुमताज अली फिल्मों में बहुत अच्छे डांसर थे। लेकिन शराब की लत में वो बर्बाद हो गए। इस कारण महमूद का बचपन भीषण गरीबी में बीता। महमूद ने अंडे बेचने से लेकर ड्राइवरी जैसे काम करके गुजारा किया। बाद में वो फिल्मों में आ गए जहां उन्होंने कॉमेडी में ऐसी रौनक बिखेरी कि भीषण गरीबी से जीवन शुरू करने वाले महमूद शाही जिंदगी जीने लगे। आज होना
बाल मां। जरा से और पिला दो भंग में आया देख के ऐसा रजी ऐसी नजर को क्या कहिए जो यार ना अपना पहचान ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके दुश्मन है जमाना थेंगे से। लेकिन दौलत और शोहरत के बावजूद उनके जीवन में एक दुख रह गया। महमूद के तीसरे बेटे मैकी यानी मखदूम अली को पोलियो हो गया। उन्होंने भारत से लेकर विदेश तक खूब इलाज कराया लेकिन मैकी की विकलांगता खत्म ना हुई। वैसे में महमूद के दिल में ख्याल आया कि मेरे जैसा अमीर और हर तरह से सक्षम इंसान भी जब अपने बेटे के पोलियो का इलाज नहीं करा सकता तो उन बच्चों का क्या होता होगा जिनके माँ बाप गरीब हैं। यह सोचकर उन्होंने पोलियो के बारे में समाज में जागरूकता कायम करने के उद्देश्य से कुंवारा बाप नामक फिल्म बनाने का फैसला किया। मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी मेरी रिक्शा सबसे। इसकी कहानी चार्ली चैपलिन की फिल्म द किड से प्रेरित थी लेकिन इसमें कई घटनाएं महमूद के साथ हकीकत में घटित हुई थी। कहानी को रियल टच देने के लिए महमूद ने मैकी को अपनी फिल्म में रखा। यही नहीं, महमूद ने अपने पिता मुमताज अली को भी इस फिल्म में रखा और अपने पिता पर एक गाना भी फिल्माया। महमूद इस फिल्म में थोड़ा हटकर संगीत चाहते थे। कई जानकारों से बातचीत करने के बाद उन्होंने फिल्म के लिए संगीत देने का मौका संगीतकार रोशन के बेटे राजेश रोशन को दिया। संगीतकार के तौर पर यह राजेश रोशन की पहली फिल्म थी। इसके गाने मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। महमूद चाहते थे कि संगीतकार रोशन इस फिल्म के उस गाने के लिए खास धुन बनाए जो गीत उनके पिता मुमताज अली पर फिल्माया जाने वाला है। सज रही गली मेरी माँ, जब संगीतकार ने इस गाने की धुन महमूद को सुनाई तो महमूद भावुक हो गए। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब से रिकॉर्ड कराया जाना था। इस सिलसिले में जब मोहम्मद रफ़ी साहब से मिले तो गाने के बोल सुनाने के बाद महमूद ने रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी भाई आपको ये गाना ऐसे गाना है जैसे आपने आज तक किसी दूसरी फिल्म में ना गाया हो, आपको इस गाने में मेरे जीवन के दर्द को उड़ेल देना है। रफ़ी साहब ने कहा, महमूद भाई जैसा आप चाहते हैं वैसा ही गाना बनेगा, आप फिक्र ना कीजिए। महमूद ने इस गाने में खास सीक्वेंस दिखाने का नया प्रयोग किया था। इस गाने का एक हिस्सा रखा गया जिसमें उसकी कहानी भी चलती रहती है। मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे। इन लाइनों को महमूद साहब ने खुद बोला है। इसमें महमूद किन्नरों को बताते हैं कि उन्हें बच्चा कैसे मिला, कैसे बच्चे पर दया आई। फिर बच्चे को उठाया, गले से यूं लगाया। जब रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्डिंग रूम में कुछ किन्नर भी मौजूद थे। रफ़ी साहब ने जब महमूद और राजेश रोशन जी की तरफ देखा तो दोनों समझ गए कि रफ़ी साहब असहज महसूस कर रहे हैं। तब महमूद साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि गाने के लिए जो फिल्म में सिचुएशन है उसके हिसाब से इनको बुलाया गया है, आप इनको लेकर टेंशन ना लें। इसके बाद रफ़ी साहब ने इस गाने को दिल की गहराइयों से ऐसा गाया कि खुद महमूद भी हैरान रह गए। बेटा तेरे किस्से पे दिल मेरा रोए, जिए तेरा मुन्ना भाई। महमूद अपने बेटे मैकी अली के पोलियो से विकलांग हो जाने के कारण बहुत दुखी रहते थे और उन्होंने जब यह गाना सुना तो उनके लिए अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना बड़ा मुश्किल हो गया। गाना सुनकर उनका दिल भर आया और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बाद में एक इंटरव्यू में महमूद ने बताया कि रफ़ी साहब ने इस गाने में मेरे दर्द को इस तरह उजागर किया कि मैं 3-4 दिन तक इसे सुन सुनकर रोता रहा था।
कुवारा बाप रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई। फिल्म की कहानी, महमूद की एक्टिंग, बेहतरीन डायरेक्शन और गानों के कारण यह फिल्म आज भी याद की जाती है। सुनहरी गोठे में, रुपहरी गोठे में। तो यह थी उस गाने की कहानी जिसने सबको हंसाने वाले को भी रुला दिया था। यह गाना आपको कैसा लगा? यह वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों, फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।